नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीटी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। नवविवाहिता ने लगाया ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप। ग्राम सावरी खुर्द का मामला, बहेला पुलिस ने किया मामला दर्ज। बहेला थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम सावरी खुर्द निवासी एक नवविवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष वालों पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट किए जाने मामला दर्ज कराया है। मामले की जानकारी अनुसार ग्राम कालीमाटी निवासी सरिता मस्करे, उम्र 26 वर्ष का विवाह, एक वर्ष पूर्व ग्राम सावरी खुर्द निवासी ज्ञानदास मस्करे के साथ हुआ था। शादी के 2 माह तक सरिता को ससुराल पक्ष वालों द्वारा ठीक तरह से रखा गया, परंतु उसके बाद नवविवाहिता को पति एवं ससुराल के लोगों सास कलावती, जेठ लालदास मस्करे, जेठानी मनीषा मस्करे और ननंद अनीता दसरिया द्वारा दहेज की मांग करते हुए परेशान किया जाने लगा और मारपीट भी की जाने लगी। पति द्वारा मायके से आए दिन मोटरसाइकिल, 5 लाख नगद एवं सोने की चेन लाने की मांग की जाती थी एवं महिला का 3 माह का गर्भ भी गिराया गया एवं अप्राकृतिक कृत्य भी किया गया, जिस पर बहेला पुलिस द्वारा पीड़िता महिला की शिकायत पर पति एवं ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध धारा 377, 313, 498 ए, 294, 323, 506, 34 ताही एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत 3 एवं 4 का अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई है। क्या नाम है आपका? कहाँ की निवासी हैं? किस संबंध में आपने थाने में शिकायत की? पति और ससुराल वालों के संबंध में। क्या किया उन्होंने आपके साथ? मेरे पति के द्वारा मुझे गर्भपात के लिए बहुत परेशान किया जाता था, बहुत प्रताड़ित किया जाता था। 11 माह पश्चात 14 मार्च 2023 को मैं गर्भवती हो गई थी, किंतु मेरे पति के द्वारा अगर तू गर्भपात नहीं कराएगी तो तू गर्भपात नहीं करेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा करके धमकी देने लगा। और मेरे पति के द्वारा मुझे बहुत प्रताड़ित और परेशान किया जाता था। इसी संबंध को लेकर मेरे ससुराल वाले भी मुझे बहुत प्रताड़ित और बहुत प्रताड़ित और बहुत तकलीफ देते थे। तो उसमें कौन कौन शामिल था? मेरी सास कलावती, जेठानी मनीषा मस्करे, लालदास मस्करे, अनीता दसरिया के द्वारा मुझे बहुत प्रताड़ित किया जाता था। और उसी के संबंध में मुझे दहेज और साइकिल और 5 लाख रुपए के लिए मेरी ननन, मेरे पति ज्ञानदास मस्करे के द्वारा मुझे बहुत मारपीट और बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। इसी संबंध को लेकर मेरे पति ज्ञानदास के द्वारा मुझे जबरदस्ती गर्भपात कराया गया। अगर से तू गर्भपात नहीं करेगी तो हमारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाएगा, ऐसा करके कहने लगा। तो आपने कब रिपोर्ट करवाया इसकी? 20/6/2023 को मैं बहेला थाना गई थी, वहां पर मेरा रिपोर्ट नहीं लिया गया, मुझे वापस कर दिया गया। फिर 23/6/2023 को गई थी, फिर वहां से मुझे और वापस कर दिया गया। फिर मैं लांजी थाना गई, लांजी थाना से भी मुझे रिपोर्ट दर्ज नहीं किया जा रहा था। फिर मैं SDM SP को फ़ोन करी, SDOP साहब को, फिर मेरा रिपोर्ट दर्ज किया गया। जब मैं लांजी थाना गई तो वहां पर महिला पुलिस का मेरे प्रति ठीक नहीं था, इसलिए मेरा रिपोर्ट वहां भी दर्ज नहीं किया जा रहा था। तो फिर आपने क्या किया? SDOP कार्यालय से फ़ोन करी। अच्छा, फ़ोन करवाया। हाँ, फ़ोन करवाया, फिर वहां से मेरा रिपोर्ट दर्ज किया गया। मिलते हैं अगली बार नई और ताज़ा खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ MPCG 24 न्यूज़ एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।